फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। जो आप यूट्यूब में अर्निंग कर रहे हो, अगर आपको एडसेंस मिला तो यूट्यूब का जो अर्निंग है, तो मेरा भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा था एडसेंस का जो यूट्यूब का अर्निंग है वो एडसेंस में शो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़ा उसके साथ चैटिंग किया, वो नहीं दिखाऊंगा कैसे चैटिंग किया क्या नहीं किया। मेन जो वीडियो है, मेन जो आप जो उस प्रॉब्लम के लिए इस वीडियो को देखोगे, वहाँ से जो रिप्लाई आया उस रिप्लाई को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। फिर इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा इस चीज़ के बारे में। नया नया क्या होता है, अगर $10 हो गया एडसेंस में शो नहीं करोगे तो टेंशन होता है। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 2 मिनट का वीडियो होगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वहाँ से रिप्लाई आया था, उस रिप्लाई को आपको पढ़ के बताऊंगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के बाद आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा आता है। फाइनलाइज अर्निंग आर नॉट ट्रांसफर टू एडसेंस अंटिल अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉलोइंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अर्निंग एक्वर इन जून, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जून विल बी ट्रांसफर टू एडसेंस इन मिड जुलाई। इसके मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जो फाइनलाइज अच्छा मतलब इस महीने का जो अर्निंग है, तो आपको क्या है, उस महीने का आधा आधी में वो एडसेंस में ट्रांसफ़र करता है। ऐसे नहीं आज $5 यूट्यूब में हो गया और उस $5 को वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। एग्जाम्पल तौर पे बताया आपको, जून का जो अर्निंग है, अर्निंग की अगर जून जैसे एग्जाम्पल, जून का अगर अर्निंग है तो जुलाई में, मिड जुलाई मतलब जुलाई का 10-15 तारीख को वो सेंड करेगा। फाइनलाइज यूट्यूब अर्निंग फॉर द यूट्यूब प्रीवियस मंथ आर एडेड यूट्यूब योर एडसेंस अकाउंट बैलेंस बिटवीन 10th और 14th इन द मंथ। आया समझ में? मतलब मान के चलो ये अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर का जितना सारे अर्निंग होगा वो दिसंबर का 10 से 15 तारीख के बीच में आपका एडसेंस में ऐड करेगा। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है और कुछ नहीं इसमें। बाकी थ्रेश होल्ड आपको जो क्लेम करोगे, सब कुछ करोगे, वो बीच बीच में जैसे आपके पूरा महीने का अर्निंग पिछले में अगले महीने का 10-15 तारीख को ये डालेगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल है। अगर इस जो लैंग्वेज को समझ में नहीं आते तो इसको क्या करना मैं बता देता हूँ। इसको आपको गूगल ट्रांसलेटर में डालना है, और आपको जो लैंग्वेज आपको मदर टंग है, जो हिंदी बंगला मराठी गुजराती जो भी है, आप उसी लैंग्वेज में ट्रांसफर करके आराम से रिलैक्स से पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, टॉपिक में इतना माथा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको बेस्ट टिप्स मिलता है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।